जातीय उन्माद पैदा करके कांग्रेस युक्त भारत अब भ्रष्टाचारियों की साम्राज्य, वंशवादियों की साम्राज्य बनाना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आत्मा ऐसे शिष्यों के कृत्य के कारण दुखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो देश को भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्त करने का अभियान शुरू किया था, उसका समर्थन प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ने किया था। लेकिन जो लोग उनके शिष्य बनकर सामने आए थे, लालू यादव और नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का संकल्प ले भी लिया था, आज वही लोग कांग्रेस के साथ जाकर मिल चुके हैं। वही लोग आज उनके भ्रष्टाचार और वंशवाद में उनका साथ दे रहे हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं विजय सिन्हा, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, तानाशाही, हिटलर शाही, भ्रष्टाचारी, वंशवाद के खिलाफ खुलकर इसी धरती से जो अभियान शुरू किए थे, पूरा देश उस अभियान को स्वीकार किया था। आज इनके जो परम शिष्य बने श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का संकल्प लिए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए थे, आज ये लोग जातीय उन्माद पैदा करके कांग्रेस युक्त भारत अब भ्रष्टाचारियों की साम्राज्य, वंशवादियों की साम्राज्य बनाना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आत्मा ऐसे शिष्यों के कृत्य के कारण दुखी है और ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, वंशवाद मुक्त राष्ट्र बनाने का, राजनीति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं। अभी आपने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को सुना, किस तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, यहां तक कह दिया कि आज उनके शिष्यों के ऐसे कृत्य से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आत्मा काफी दुखी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके भ्रष्टाचार और वंशवाद को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, उसके समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। किस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए विजय सिन्हा, ये हमने आपको सुनाया। साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया था, आज वही कांग्रेस के भ्रष्टाचार और वंशवाद में संलिप्त हो गए हैं और पूरे देश में जातीय उन्माद पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।